आज हमारा ब्रांड ऑफ चीज दुनिया भर में मशहूर है, इंसानियत चीज। ये क्या नाम हुआ, इंसानियत चीज? अरे नहीं नहीं, ये हमारे बहुत काम आता है, सिद्धू जी बता रहे हैं, ये बहुत काम आता है हमारे। हम क्या अपने आप दूध बेचते हैं ना, तो उसमें जरा पानी वानी मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, नो बिग डील। लेकिन लोग आके ऐसे हमको डांटने लगते हैं कि अरे क्या पानी मिला दिया, ऐसा कैसा दूध है, बच्चे पिएंगे तो क्या होगा, अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम कहते हैं ये लो। इसीलिए इंसानियत चीज ना भी रख दी। वैसे रवीना जी, हम चाह रहे थे, ये जो केबल टीवी सब चलते रहते ना आसपास, तो एक विज्ञापन अगर आप इंसानियत चीज का कर देंगी, अगर जिंगल बिंगल हम बना के लाए हैं तैयार करके मजेदार, आपको सिर्फ कहना है कि अगर आप में इंसानियत की कमी है तो खाइए इंसानियत चीज। ठीक है, हमारा जिंगल रेडी है, एक बार इधर आ जाइए ना, ये प्रोडक्ट जो है हमारा। बंदा अच्छा कर दीजिए इसकी ऐड। कर लूं फ्री अच्छा, में अच्छा बंदा है। अगर आपके जीवन में इंसानियत की कमी है तो खाइए इंसानियत चीज। वैसे रवीना जी, बड़ी खुशी हुई जानकर, अब हम और आप पड़ोसी हो गए हैं। कैसे? नहीं, आप 8 बजे आएंगी, हम 9 बजे आएंगे, और 10:30 बजे हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। पूछे क्यों? क्यों? CID आएंगे ना। अच्छा बच्चा, ये बातें छोड़ो, रवीना ये बहुत अच्छा जोक सुनाता है, तो जोक सुनाओ कोई। अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। सुना तो फिर। नहीं नहीं छोड़िए, चल रहने दो फिर। नहीं भाई ऐसे नहीं नहीं, सुनाते सुनाइए ना। अरे बाप रे, सुनाइए ना। इन्होंने कितना प्यार से कह रही है, अब हमको सुनाना पड़ेगा। सुनिए एक बार क्या होता है ना। बहुत ही अच्छा जोक है, बहुत मजा आने वाला है। एक बार एक आदमी था, ऐसे वो दादर स्टेशन से बाहर निकला, उसके दोस्त के घर जाना था, उसको बंबई में पहली बार आया था। उसको एक टैक्सी वाले ने ऐसा उल्लू बनाया, उसको बगल में जाना था, उसको पूरा बंबई घुमाया, अरे घुमा के इतना उल्लू बना के उसको जाके उस जगह पर छोड़ा। 5 घंटे बाद सारे उसके पैसे भी लूट लिए, पूरा उल्लू बना दिया। अब जैसे ही आदमी अपने दोस्त के घर में घुसता है, वहां पर बिजली गई हुई है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इस आदमी को पूरा साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। पूछे कैसे? कैसे? टैक्सी वाले ने उल्लू बना दिया था ना, उल्लू को अंधेरे में दिखता। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, एक्चुअली मैं स्टेज कंपटीशन में मुझे एक बार फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये भी तो बताया ना उन्होंने, ये भी कहा था कि जिसका है उसको देख के घर चले जाना। स्टेज पे फर्स्ट प्राइज मिला था, ऐसे कुछ। देखो तुम इतना अच्छा सुनाते हो, सास क्यों नहीं बन जाते? सारे पहले लड़के लड़कियां बने, मैं भी सास बन जाऊं। अच्छा स्टेज वाला टैलेंट तो दिखा मैडम को, जरा करके बता क्या किया था। दिखा दूं? हाँ बोल। दिखा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक थोड़ा सा हैदराबादी टाइप का। कौन सा बादी? हैदराबादी। हैदराबादी, हैदराबादी। ये क्या बड़ी बड़ी आंखें देखकर टुकुर टुकुर देख रही है? तेरी गर्दन चिकन के जैसे काट को, चिकन हैदराबादी में डाल के। नो सॉरी, ये गर्दन चिकन के जैसे काट के चिकन बिरयानी में डाल को, मैं हैदराबादी की पोटी। ये देख प्रोफेशनल एक्टर, ये रिलेशनशिप एक्टर, वैसे ही जानते हैं कई सालों से। ठीक है एक और दिखाती हूँ। ओह अच्छा। रिश्ते में हम तुम्हारे माँ लगते हैं, नाम है शहंशाही। आई ये देखिए, एक मिनट इसे पकड़ो जरा, मैंने देखा तुम्हारा परफॉर्मेंस। इतने बड़े एक्टर की पहले तो डायलॉग का एकदम कचरा कर दिया, उसके बाद हाइट का भी कचरा कर दिया। रवीना जी हाय, आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। कपूर शर्मा, मानना पड़ेगा आप काफी लकी हैं। क्यों? आपके यहाँ पर लंदन से तो कोई नहीं आया, लेकिन टंडन से आ गया। देखो जब दो हॉट लड़के आपस में बात कर रही हो ना, तो बीच में आंटी को नहीं आना चाहिए। रवीना मैम, आपका गाना मेरा फेवरेट, टिप टिप बरसा पानी, उसमें प्लीज एक सिजलिंग सा हॉट सा एक डांस स्टेप सिखा दो मुझे, प्लीज। पहले आप करके दिखाइए। नहीं बट मुझे तो आपसे सीखना है। और सीख के भी कबाड़ा करेंगे। आपने देखा नहीं भी सरला का डांस? हाँ कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा और बरस के। बम्पर ये क्या कर रही हो तुम? बम्पर कहाँ गई? बम्पर, बम्पर कपूर शर्मा तुम कुछ बोल दे क्यों नहीं? बम्पर
तो बेवकूफ बना दिया मैंने। आप बैठिए, इसको ज्यादा वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे ना एक्चुअली चाचा जी आने वाले हैं। हाँ, नींबू लाल जी मेरे चाचा जी हैं। डम्परिया। हाँ चाचा जी। डम्परिया। देखो। देखिए आप देखो। अरे 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 रवीना ही। नमस्कार चाचा जी। रवीना को देखते तो हमारे पूरी बॉडी में छुरछुरी होता। क्या बोले जा रहे हैं आप? तो आप इतनी दूर से आए, पहले ये बताइए मेरे लिए कुछ लाए हैं? अरे भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया कहाँ है? भगवान का दिया रहा तो? अरे भगवान का दिया हम गांव में छोड़ा है। कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखो मजाक अपनी जगह है, मगर भतीजी भतीजी होती, मजाक अपनी जगह है, मजाक अपनी जगह, बटुआ बटुआ, हाँ बटुआ अपनी जगह है। मेरे लिए क्या लाए हैं आप? तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाए हैं, और तुम फटाफट जाओ और गुड़ का शरबत लेके आओ। जाओ। क्यों 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 लाऊं? गुड़ का शरबत आप क्यों पियेंगे? गुड़ क्या पिएगा? गुड़ का शरबत नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। बेकार की बात कर रहे हैं, मैं नहीं ला रही कुछ। सिद्ध भैया, ये सोनी वाले हमें बहुत पहले से बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर हम नहीं यार, हम सौगंध खाए रहे। क्या? हम सौगंध खाए रहे, जौन दिन हमारा सिद्धू मिनिस्टर बनेगा उसके बाद हम इस शो में आऊंगा। एक बात सिद्धू जी की बहुत अच्छी है। क्या? कम से कम सिद्धू जी आप मंत्री बनने के बाद यहाँ पे हफ्ते में दो बार दिखते तो हो। अपने देश में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, आपका बता दे, एक बार वोट ले लिया तो 5 साल नहीं दिखते। अरे आप इतनी दूर से आए हैं, कोई हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको आने में? प्रॉब्लम का कम चक्कू बैठ के यहाँ का। अब आए, खाना वाना खा लो अंदर जाके। खाना का ना पूछो, इस शहर में जो खाना लगता है बुफे सिस्टम जो लगता है, हाँ। मेज में ऐसे टेबल में लगा देता है खाना, कहता है कि तो बेशरम हो, खाओ खाओ, ना खाओ ना खाओ, तोरे ऊपर है, ये कोनो खाना है? अब आप लोग एक आदमी बताओ कौन है यहाँ पे जो घर पे खड़े होकर खाना खाता है? खड़े होकर खाता है? तो पार्टी शादी में कहा खड़े होकर खिलाता है? दिमाग खराब हो गया? यही बुफे सिस्टम चक्कर में अमिताभ बच्चन फंसे हैं। कैसे भाई? एक प्लेट ऐसे लिए, ऐसे कमर वहां तक के कोई इस बात करते रहे। वेटर आया प्लेट लेके चला गया, तब से ऐसे हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।